आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरी राम राम। आज ऐसे ही है जैसे मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। यहाँ पे जिंदल स्ट्रिप्स में पिताजी काम किया करते थे, जिंदल कॉलोनी में हम लोग रहते थे। कैंपस स्कूल से पढ़ा मैं, फिर डीएन कॉलेज गया, पढ़ने में बड़ा होशियार था मैं। डीएन कॉलेज में 2 साल था, 11वीं 12वीं, दोनों साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 6ठी पोजीशन आई थी पूरे हरियाणा में। फिर आईआईटी में हो गया, तो आईआईटी खड़गपुर चला गया, और उसके बाद फिर आईआरएस में हो गया, टाटा स्टील आईआरएस दिल्ली चला गया। तो एक तरह से वापस अपने घर आने जैसा लग रहा है। मेरे साथ आज जो लोग दिल्ली से आए थे उनको मैं बता रहा था, ये नागौरी गेट है, यहाँ पे राजगुरु मार्केट है, यहाँ पे ये रास्ता सिवानी जाता है, ये यहाँ इस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, इस स्कूल में मेरे बहन भाई पढ़ा करते थे, उनको सबको मैं बता रहा था। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़ के शुक्रिया करना चाहता हूँ। 1 घंटे के नोटिस पे आप सब लोग, पूरे शहर के, मेरे को बताया कि सारे मुअज्ज़ज़ लोग, सारे एमिनेंट लोग आज यहाँ शहर के मौजूद हैं, और एक एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है उसके पीछे कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार वोट हैं। इतने कम समय में आप, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बातचीत करते हुए, आपके बीच में आज आके। हिसार से निकलने के बाद मैं दिल्ली गया, और मैं कहना चाहता हूँ हिसार का और हरियाणा का नाम रोशन किया है, आपका सीना चौड़ा करके आ रहा है आपका बेटा। आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने, देश में भी और दुनिया में भी हिसार का और हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। दिल्ली में भी सरकार बनाई, पंजाब में भी सरकार बनाई। ना तो मेरे पिताजी नेता, ना मेरे दादाजी नेता, ना मेरा कोई चाचा ताऊ नेता, ना मेरा कोई मामा नेता, ना हमारे घर में मैं कोई नेताओं की परिवार से या पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आता। हम चंद लोगों ने मिलके एक पार्टी बनाई, और मैं तो ये कहूँगा ऊपर वाले की कुछ कृपा होगी, पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। पार्टी बनाते ही, जब हमने दिल्ली में पार्टी बनाई थी अन्ना आंदोलन के बाद, मेरे को याद है ये मीडिया वाले सारे मेरा मजाक उड़ाया करते थे, इनकी सबकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए। वो ये नहीं कहते थे केजरीवाल जीतेगा, केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। 2012 में पार्टी बनाई, 26 नवंबर 2012 को, और 1 साल के बाद 8 दिसंबर 2013 को जब नतीजे आए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी। ये देश नहीं, दुनिया के अंदर इतिहास है कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उस नई पार्टी की सरकार बन गई। और अगली बार जब सरकार बनी तो दिल्ली वालों ने तो कमाल ही कर दिया, 70 में से 67 सीट हमारी आई, 70 में से 67। मेरे को तो यकीन नहीं हुआ, सब ऊपर वाले की कृपा थी, सब भगवान का चमत्कार था। 70 में से 67 सीट, बीजेपी की 3 सीट आई और कांग्रेस की 0 सीट आई। इन पार्टियों ने कहा ये एक बार की वो है, अगली बार नहीं आएगी, लेकिन 5 साल में हमने दिल्ली में ऐसा काम करके दिखाया, ऐसा काम करके दिखाया कि अगली बार 70 में से 62 सीट आई हम लोगों की। पिछले 10 साल से जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया है, पूरी ईमानदारी के साथ।
अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इज्जत ही कमाई है और पैसा नहीं कमाया। मेरा भी बैंक अकाउंट खाली है, अब तो इन्होंने सीबीआई ईडी वालों ने सब चेक कर लिया, और मेरी पार्टी का भी बैंक अकाउंट खाली है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में, बिजली जाया करती थी, रात रात भर बिजली नहीं होती थी पूरी दिल्ली में। आज 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, कोई इन्वर्टर की सारी दुकानें बंद हो गई हैं। पिछले 5-7 साल से इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, 24 घंटे बिजली आती है, पक्की आती है, जाती नहीं है, और फ्री बिजली आती है। ये चमत्कार है, फ्री बिजली आती है। दिल्ली के 73% लोगों को, 73% लोगों को फ्री बिजली मिलती है। पंजाब के 83%, 83% लोगों को फ्री बिजली मिलती है। कहते हैं केजरीवाल चोर है। हरियाणा में बिजली इतनी महंगी है, गुजरात में बिजली इतनी महंगी है, उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी महंगी है, मध्य प्रदेश में, 22 राज्यों के अंदर इनकी सरकारें हैं, जहां एक भी राज्य ऐसा नहीं है जब बिजली फ्री हो। सब में बिजली इतनी महंगी है। दिल्ली में बिजली जीरो जीरो बिल आता है लोगों का, बिजली का, फ्री बिजली है। मैं तो सीधी सी बनिया हूं तो उसी भाषा में मैं बात करूंगा। मैं तो सीधी सी बात है भाई, 3,000 करोड़ रुपए हम बिजली के लिए सब्सिडी देते हैं। अगर मेरे मन में चोर होता तो ये 3,000 करोड़ रुपए चोरी कर लेता, मैं बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी मेरे को। गलत तो नहीं कह रहा, ये 3,000 करोड़ रुपए मैं अपनी जेब में डाल लेता, बिजली कंपनियों के साथ मिलके 100-200 करोड़ रुपए जेब में डाल लेता। 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके लोगों की बिजली का बिल जीरो करने वाला चोर है, या बिजली कंपनियों के साथ मिलके बिजली महंगी करने वाला चोर है? सोचने की बात है। दिल्ली के अंदर हमने स्कूल इतने शानदार कर दिए, मैं आपको, सरकारी स्कूल जहां लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे, टिन के स्कूल होते थे, टेंट में होते थे स्कूल, टूटी हुई दीवारें होती थी, छतें होती नहीं थी, दीवारें चूरी होती थी, टीचर पढ़ाया नहीं करते थे, बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का, ऐसे शानदार कर दिए सरकारी स्कूल। में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं, आप आके किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओ दिल्ली के अंदर, और आप अपना देख के आओ कैसे सरकारी स्कूल है। लोग अपने बच्चे, एक दिन मैं एक सरकारी स्कूल में गया, मैंने सुना था बहुत लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती, 4 लाख लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के, प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। मैं एक दिन एक क्लास में गया, मैंने पूछा बच्चों से, मैंने कहा कौन कौन प्राइवेट स्कूल छोड़ के आया है? 4-5 बच्चों ने हाथ उठाया। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे यहां आने के पहले, बोला सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली के सबसे जाने माने स्कूलों में माना जाता है, एडमिशन मिलना लगभग नामुमकिन है। सेंट कोलंबस छोड़ के और कोई बच्चा अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि स्कूल बड़े शानदार हो गए। 99% रिजल्ट आया है सरकारी स्कूलों का, 99% रिजल्ट, ये कोई हंसे, प्राइवेट स्कूल से कहीं ज्यादा रिजल्ट आया। और ये सारा काम स्कूलों को ठीक करने का केजरीवाल ने नहीं किया। मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे कि भगवान ने मेरे को टीम भी बड़ी अच्छी दी है, बहुत शानदार टीम दी है। उसमें एक टीम में एक हीरा है, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हुआ करता था दिल्ली का, उसने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों को शानदार बनाया है, दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था शानदार बना दी, शिक्षा व्यवस्था। उस मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने 2 साल से जेल में डाल दिया, बिल्कुल फर्जी मुकदमा, बिल्कुल फर्जी केस। मैं मन में सोच रहा था इससे देश का क्या फायदा हुआ। 2 साल पिछले 75 साल में, मैं आप सबसे उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरे को यह लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो हमारे देश ने की आजादी के तुरंत बाद,
वो ये है कि हम लोगों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया। आप कोई भी यूरोपियन कंट्री ले लीजिए, जापान ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरोपियन कंट्री, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसकी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती, उसका एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं पाता, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं हम नेता आके, बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण दे सकते हैं, देश को ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी नेता जो भी पार्टी जब तक शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। पिछले 75 साल में किसी भी सरकार ने किसी भी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया, उल्टे जो सरकार आई उसने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाया। प्राइवेट जापान उठा लो, वहां प्राइवेट स्कूल नहीं है, सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अमेरिका उठा लो, अमेरिका के अंदर सरकारी स्कूलों का ज्यादा महत्व है प्राइवेट स्कूलों में, वहां पे जमीन के रेट आसपास इस पे डिपेंड करते हैं कि सरकारी स्कूल कैसा है। इंग्लैंड उठा लो, वहां जितने डेवलप्ड कंट्री हैं वहां सरकारी स्कूल अच्छे हैं। 75 साल में सबसे बड़ी गलती हमने की, भगवान का शुक्र है 75 साल के बाद एक ऐसा शिक्षा मंत्री दिया जिसने रास्ता दिखाया कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, और उस शिक्षा मंत्री को इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं इससे देश का फायदा हुआ क्या? 2 साल तक मनीष सिसोदिया जेल में रहा, क्या इससे देश का फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर वो जेल के बाहर होता तो और कितने स्कूल बना देता और कितना सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ा देता, देश का नुकसान ही हुआ। इस किस्म की राजनीति ठीक नहीं है। मैंने स्कूल अच्छे किए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया। गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, सेंट्रली एयर कंडीशन है दिल्ली के सरकारी अस्पताल, यहाँ की तरह नहीं है सिविल हॉस्पिटल जिस तरह से हरियाणा के अंदर सिविल हॉस्पिटल जर्जर पड़े हैं, शानदार सरकारी अस्पताल, सबका इलाज, सारी दवाइयाँ मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त, बड़ी से बड़ी बीमारी अगर आपको हो जाए फ्री में इलाज होगा आपका दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर। तो मेरा कसूर यह था कि मैं ईमानदार हूं, और इनको यह लगा कि अगर कि जैसे अभी सुशील गुप्ता जी कह रहे थे कि ये बुनियादी चीजें जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, किसी ने बात ही नहीं की आज तक। किसी पार्टी वाले ने, किसी नेता ने आके ये वोट मांगा कि मैं तुम्हारे स्कूल अच्छे कर दूंगा मेरे को वोट दे दो, किसी ने कहा मैं तुम्हारी बिजली अच्छी कर दूंगा मेरे को वोट दे दो, किसी ने कहा कि मैं आपके अस्पताल अच्छे कर दूंगा वोट? वो तो कहते हैं मैं जाट हूं आप जाट हो, जाट जाट को वोट, मैं नॉन जाट हूं आप नॉन जाट हो, मैं बनिया हूं मैं, जात के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, बस इसी तरह से वोट मांगते हैं ये। इसको मैंने अभी तक के भाषण में किसी को गाली दी? हम गाली गलौज नहीं करते, हमें गाली देनी नहीं आती, हमारे संस्कार ही नहीं है। हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं, हम देश के नाम पे वोट मांगते हैं, हम समाज के नाम पे वोट मांगते हैं। मेरा कसूर ये है कि मैंने ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, ये मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं, ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते हैं जनता की नजर में। इनको लगा एक फर्जी केस बनाओ, केजरीवाल पे कीचड़ फेंको, केजरीवाल पे लांछन लगाओ, केजरीवाल को भ्रष्ट साबित कर दो। इन्होंने 5 महीने मेरे को जेल में डाल दिया। 2 साल से सतेंद्र जैन हमारा, जिस व्यक्ति ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की, जिस व्यक्ति ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जिस व्यक्ति ने सरकारी अस्पताल बनाए, 2 साल से वो जेल में है। 2 साल से मनीष सिसोदिया जेल में, इन्होंने मेरे पीए को भी नहीं छोड़ा, मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया, हमारी पार्टी के 5 संजय सिंह को जेल में डाल दिया, 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। और जब मैं जेल से निकल के आया और अभी मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, एक आदमी नहीं कहता कि केजरीवाल चोर है, कोई आदमी नहीं कहता केजरीवाल चोर है। इनका सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया, सब कहते हैं अभी केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, चोर नहीं हो सकता, भ्रष्ट नहीं हो सकता, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, कुछ साबित नहीं कर पाए ये लोग। तो दोस्तों, आज आपके पास भी मैं ईमानदारी के नाम पे वोट मांग, मेरे पास कुछ नहीं है, ईमानदारी के नाम पे वोट मांगने के लिए आया हूं।
आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन आप भी अब खाना खाने के लिए आपको भी जल्दी होगी, एक ही चीज़ कहना चाहता हूं। मैं यहां बात कर रहा था, अभी शाम से आया हूं हिसार में, आपके पास एक बीजेपी का कैंडिडेट है, एक आपके पास कांग्रेस का कैंडिडेट है, एक सावित्री माझी हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, और एक ये है संजय सातरोड़िया। बस ये देख लेना, कैंडिडेट देख लेना। मैंने सबसे पूछा भाई बीजेपी वाला कैसा है, कांग्रेस वाला कैसा है, माझी कैसी हैं, इन चारों में सबसे शरीफ, सबसे ईमानदार आम आदमी आपके बीच में रहने वाला संजय सातरोड़िया है कि नहीं है। तो आज यहाँ जितने लोग इस हॉल में मौजूद है, एक एक आदमी के पीछे 5-5 हज़ार वोट है, तो अगर हर आदमी ने यहाँ बैठे हुए ने 5-5 हज़ार वोट डाला दिए तो ये तो जीत ही जाएगा फिर। मैं यही कह रहा था, मैं जहाँ जा रहा हूँ हरियाणा के अंदर, ऐसा ज़बरदस्त माहौल है आम आदमी पार्टी का, लोग बहुत प्यार से रिसीव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिसीव। अगर 3-4 महीने पहले आ जाता, ये जल्दी थोड़ी सी छोड़ देते मेरे को जेल से, तो मेरे को पक्का यकीन है हरियाणा में हमारी सरकार बन जाती, इतना प्यार मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन आज भी हम ऐसी स्थिति के अंदर हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। तो जितने काम मैंने दिल्ली में करे हैं, पंजाब में करे हैं, जो भी सरकार बने उससे काम करा के मैं लाऊंगा। ये सीट जिता देना, सीट जिताने की जिम्मेदारी आपकी है, मंजूर है? आप सब लोग आए हैं, आप सारे मेरे कोई चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, आप में से कोई मेरा बहन है, कोई भाई है, कोई मामा है, आप सब लोग आए, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों से मिलके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।